एससीओ की बैठक और भारत ने आतंकवाद पर शहबाज शरीफ को धो दिया। जयशंकर ने तीन शब्द क्या बोले, मानो शहबाज शरीफ के चेहरे की हवाया ही उड़ गई। तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। और जयशंकर इज नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, ठीक है, तो वो कोई इतना भी वो नहीं है कि हम उसको इस तरह से कंसीडर करें कि यार जिस तरह से उन्होंने कोई डिप्टी जनरल मैनेजर या कोई ब्यूरोक्रेट भेज दिया, ठीक है, तो वो उसकी अपनी एक वर्थ है। शंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था। और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय शंकर अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, दहशतगर्दी पर हमें लताड़ेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। एससीओ की बैठक में भारत ने आतंकवाद पर बोलकर पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद का मुद्दा उठाया। तीनों विषयों पर जयशंकर के बयान ने शहबाज शरीफ का चेहरा ही उड़ा दिया। लेकिन उनका मोस्ट जो ऑब्जेक्टिव था प्रोमिनेंट, वो रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म को, एनवायरनमेंट को सेव करने, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। एससीओ में जयशंकर के संबोधन के वक्त शहबाज शरीफ का चेहरा मानो देखने लायक था। जयशंकर ने एससीओ की बैठक में चीन पाकिस्तान के सामने आतंकवाद पर बयान देकर सबको चौंका दिया। और हमने देखा कि डॉक्टर अजय शंकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, सिर्फ हाथ मिलाया, जब भी डालने की भी सहमत नहीं की। क्योंकि हमने जितने भी एस जय शंकर के इंटरव्यू सुने वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये जब तक इनको खत्म नहीं करेगा पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरा भारत महान्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, एच ए शंकर जी अभी पाकिस्तान का दौरा करके भारत वापस लौट आए हैं, लेकिन एससीओ की समिट में उन्होंने ऐसा कारनामा किया जिसके बाद से पाकिस्तानी अपना मुंह छुपा रहे हैं। एच ए शंकर जी के जाने पर पाकिस्तानी सोच रहे थे कि हम भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन एच ए शंकर जी ने एससीओ मीटिंग में बोला कि दहशतगर्दी और दोस्ती एक साथ नहीं हो सकती, जब तक पड़ोस से दहशतगर्दी होती रहेगी तो भारत के साथ दोस्ती नहीं हो पाएगी। और ये सब सुनने के बाद शहबाज शरीफ का चेहरा तो देखने लायक था, उनको ये समझ नहीं आ रहा था कि इतने सभी देशों की एससीओ मीटिंग में वो अपना मुंह कैसे छुपाएं। आपको क्या लगता है, अपनी राय भी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो चलिए दोस्तों, इसी टॉपिक पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले मैं डॉक्टर अजय शंकर का वेलकम करती हूँ कि बहुत बहुत मुझे खुशी हुई है कि वो यहाँ पर आया, पाकिस्तान का विजिट किया। लेकिन थोड़ा सा ना मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि जैसे अजय शंकर आए हैं पाकिस्तान में तो उनका वेलकम या तो पीएम को करना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर को करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती है। तो इन्होंने कमांडो भेज दिए, आम लोग भेज दिए, डीजी भेजा था और एक कमिश्नर भेजा, कमिश्नर तो वो उनके लेवल की नहीं है यार, वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर आप उनको अच्छा रिसीव करोगे तो शायद उनके दिल में जो नफरतें होंगी शायद वो आपके वेलकम से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि 9 साल बाद वो पाकिस्तान में आया। और एस जय शंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाहवा होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। और मैं ये कहूँगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज़्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती या नहीं होती है, बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है। क्योंकि हमने जितने भी एस जय शंकर के इंटरव्यू सुने वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है, ये जब तक इनको ख़त्म नहीं करेगा हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे। तो उनके दो ही पॉइंट्स हैं कि ये जो टेररिज्म को लेके पाकिस्तान के अंदर ही बात करनी चाहिए क्योंकि डॉक्टर अजय शंकर मौजूद है कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि जब अजय शंकर बैठे होंगे, दूसरी तरफ पीएम पाकिस्तान के बैठे होंगे, तो मुझे लगता है वो अच्छी तरह से बात को समझा भी सकेंगे और उस पर डिटेल से बात भी करेंगे। और मैं कहूंगी कि जो दहशतगर्दियां वो किसी भी कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं होती, ठीक है, वो अपनी कंट्री में भी लोगों को मारते हैं, दूसरे की कंट्री में भी जाके आपकी कंट्री का भी इमेज खराब। And people to people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी across border होती रही, जो इस तरह की extremism होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये countries के बीच, neighbors के बीच,
बॉर्डर्स के बीच कनेक्टिविटी या ट्रेड जारी नहीं कर सकेंगे। इन हालात के बिना पर ऐसे हालात जहां पर एक्सट्रीमिज्म होगा, जहां पर दहशतगर्दी हो रही होगी, तो ऐसे हालात ना तो ट्रेड फिर कर पाएंगे वो कंट्रीज एक दूसरे के साथ, और ना ही कोई पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी हो सकती। और इसके साथ उन्होंने फिर ये भी कहा कि जो एंड काउंटर टेररिज्म, जो कि उन्होंने कहा फोकस, ही फोकस्ड हिज स्पीच ऑन रीजनल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड काउंटर टेररिज्म ड्यूरिंग हिज स्पीच, जो कि आप जानते हैं कि जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में ये हो रही थी तकरीब, उस पे उन्होंने ये कहा कि इम्पोर्टेंस ऑफ कोलैबोरेशन अमंग मेंबर स्टेट्स टू टैकल कॉमन चैलेंजेस एंड हाईलाइटेड इंडियाज कमिटमेंट टू फॉस्टरिंग स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन। जयशंकर ऑल्सो डिस्कस्ड इंडियाज इनिशिएटिव्स एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द एससीओज एजेंडा। उन्होंने कहा कि नीड फॉर ए कलेक्टिव अप्रोच टू एंश्योर पीस एंड डेवलपमेंट। ये बड़े अहम नुकात हैं, बड़े अहम पॉइंट्स हैं। उन्होंने साथ में ये भी कह दिया, पाकिस्तान को ये भी जिता दिया कि ये जो आपकी एक कामयाब कॉन्फ्रेंस जो आप कर रहे हैं, इसमें हमारा जो हिस्सा था, हम जो प्रोवाइड कर सकते थे, जो हमारा हम पे फर्ज था, हमारी जो ड्यूटी थी, वो हमने किया है। यानी ये कि हमने ये जो कामयाब बनाने में, इसमें हमारा भी हिस्सा है कि हम इसमें शामिल हुए। एग्जैक्टली, देखिए इस वक्त पूरा इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया किस पर बात कर रहा है, डॉक्टर जयशंकर पर, तो उन्हीं की हर तरफ चल रही है। वो अगर ना आते तो मुझे बताइए कौन सा हेड ऑफ द स्टेट शामिल हुआ इस कॉन्फ्रेंस में, मुझे बताइएगा जरा, कौन से कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट शामिल है इसमें? रशिया, चाइना, इंडिया, ये थ्री बड़े कंट्रीज है ना। शंकर की जगह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को खुद आना चाहिए था, और रही सही कसर जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अजय शंकर अब पाकिस्तान आके पाकिस्तान को ब्लेम करेंगे, दहशत गर्दी पर हमें लताड़ेंगे, कहेंगे कि पाकिस्तान दहशत गर्दों को सपोर्ट करता है। और हमने देखा कि डॉक्टर अजय शंकर जो है वो किस तरह पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मिले, सिर्फ हाथ मिलाया, जफ्फी डालने की भी सहमत नहीं की। अवैस क्या हो रहा है ये सब यार, इतना फीका वेलकम तो इसके ससुराल वालों ने इसका नहीं कभी किया होगा। जब भी ये जाता है ना, यकीन मानो इन्होंने दो बच्चे फूल के लिए भेजे हैं। हाँ। इसका आधा खानदान इकट्ठा हो जाता है ससुरालिया, वो कहते हैं जी रैम्बो आ रहा है, रैम्बो आ रहा है, बनूजा हमारा। सीरियस बात है। अच्छा। देखे, इंडिया से हमारी दुश्मनी है, 1947 से चल रही है, बेशक 200 सालों से चल रही है। वो एक जंग के मैदान में होती है, उसके एटिकेट्स होते हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी होती है। जब आपकी जंग होती है ना, तो अगला बंदा आपका दुश्मन होता है, आप उस मौके के ऊपर जो मर्जी करें, क्योंकि वो एक जंग कहलाती है। आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसकी बड़ी इज्जत करते हो, बेशक वो आपका दुश्मन हो। हम पाकिस्तान के लिए जान दे भी सकते हैं, जान ले भी सकते हैं, लेकिन जंग के मैदान में हमारे पास अगर कोई प्राइम मिनिस्टर आता है, कोई एससीओ करने के लिए, कोई भी फॉरेन मिनिस्टर आता है, जयशंकर आता है, अमेरिका से कोई बंदा आता है, हमारे लिए काबिल एहतराम है, क्योंकि हमारा मेहमान बन गया है। जिस टाइम वो हमारा दुश्मन बन गया है, हम उसको अलग तरीके से मिलेंगे। लेकिन ऐसा देखा जाए तो जय शर्मा की इज्जत इतनी खास उन्होंने की नहीं है, जयशंकर की इतनी खिदमत उन्होंने ऐसा खास की नहीं है। नवाज शरीफ को या शहबाज शरीफ को खुद जाना चाहिए था, प्रोटोकॉल के साथ उनका वेलकम करना चाहिए था। उनको पता लगता पाकिस्तान कितना मेहमान नवाज कौम है।